राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 8 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्व को अर्पित की श्रद्धांजलि। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने हरियाणा राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन। युवाओं से बापू के आदर्शों व विचारों का अनुसरण करने का किया आह्वान। भाजपा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष सोनीपत और झज्जर में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, पीएम मोदी ने देश में से कूड़े के साथ साथ भ्रष्टाचार की भी सफाई की। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों के लिए बीपीएल में शामिल होने के लिए बिजली बिलों की बाध्यता खत्म। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी की शिरकत। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। उनकी जयंती का ये 154वां वर्ष है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनकी शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। ऐसे महात्मा और राष्ट्रपिता हमारे बापू की जयंती पर हम सभी उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जो आगे चलकर महात्मा कहलाए, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ। उनकी एक जीवन की घटना ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वह सीधे अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा किए गए संघर्षों के कारण ही आज हम स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जयंती पर सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। पथ प्रदर्शन कर पगों का ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन पर उन्हें रक्षित रहे तुझसे सर। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय यानी कि अब के दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यों और उनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री सादगी और विनम्रता के पराय माने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज इस महान विभूति की जन्म जयंती है और गणमान्य व्यक्तियों ने दोनों ही महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। करने वाला आदमी हूं कि जिस जगह पे सत्य है वहां नहीं है तो वहां कुछ नहीं है। दुनिया का जो
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राजभवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने और सीएम ने दोनों महान विभूतियों के आदर्श व सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में भी बापू के आदर्श व विचार प्रासंगिक हैं और इसलिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे एकता व अनुशासन के सूत्र में बंधकर देश व प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य करने का प्रण लें। यही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना, रामधुन तथा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का गायन हुआ और इस प्रार्थना सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के धार्मिक प्रचारकों ने देश की एकता व अखंडता का प्रवचन व भजनों के माध्यम से संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर खादी आश्रम चंडीगढ़ की ओर से ग्राहकों के लिए चंडीगढ़ स्थित सभी खादी इंडिया स्टोर पर 10-20% तक की छूट आज से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत आज सेक्टर 17 स्थित खादी इंडिया स्टोर से चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता ने की। इस दौरान भाजपा नेता संजय टंडल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये विशेष छूट आज से शुरू होकर 31 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। खादी आश्रम के सचिव संजय शर्मा ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ये रियायत ग्राहकों को हर साल दी जाती है, जिसमें खादी इंडिया द्वारा बनाए गए कपड़े, जैकेट, बेडशीट व अन्य सामान शामिल हैं। आज गांधी जयंती के समय आज सारा देश गांधी जी की 154वीं जयंती मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में हर साल की तरह गांधी जयंती पे ग्राहकों को छूट दी जाती है। तो इस बार भी 2 अक्टूबर से लेके 31 जनवरी तक सारे ग्राहकों को 20% रेडीमेड पे सभी प्रकार के वस्त्रों पर और लेदर और ग्रामोद्योग पर 10%, बाकी चीज़ों 20% छूट रहेगी। सभी ग्राहकों से, चंडीगढ़ वासियों से निवेदन है कि पंजाब हरियाणा वालों ग्राहकों से भी कि हर साल की तरह इस साल भी आके खादी खरीदें, खादी में अपना योगदान दें, ताकि स्वदेशी भारत की, आत्मनिर्भर भारत के सपन को हम साकार कर सकें हैं और कतनों बुनकरों को भी रोजगार में बढ़ावा मिले। सेक्टर 17 स्टोर पर आज खरीदारी करने वालों की भी भीड़ देखने को मिली। ग्राहकों ने रियायत मिलने पर खुशी जताते हुए काफी खरीदारी की। खादी, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट, खादी प्रोडक्ट्स आर टू गुड। वी वर वेरी स्मॉल व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर खादी प्रोडक्ट्स लाइक कुर्ताज खादी के और साड़ीज ऑल्सो, देन ड्रेस मटीरियल ऑल्सो। एंड वेन एवर आई कम टू दिस प्लेस चंडीगढ़, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड शोरूम, सो आई मेक इट अ पॉइंट टू बाय समथिंग और द अदर। देखो, शुरू से ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये कपड़ा पहन के ना तो इचिंग होती है, ना बॉडी में कोई जलन, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सॉफ्ट होता है कपड़ा और जैसे इसे धोते हैं वॉश टू वॉश, ये और निखर के आता है। तो मुझे खादी बहुत पसंद है, तो मैं प्रेफर करूँगी सभी को कि और फैब्रिक की बजाय खादी को ही प्रेफर करें। भाजपा के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने आज सोनीपत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया। इस दौरान उन्होंने सफाई अभियान में झाड़ू लगाकर हिस्सा लिया। इस मौके पर विप्लव कुमार देव ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और स्वच्छता के सपने को पूरा करने का काम किया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का सबसे बड़ा विजन स्वच्छ भारत था। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश में से कूड़े की सफाई के साथ साथ भ्रष्टाचार की भी सफाई की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के जो सपना है ग्राम स्वराज और स्वच्छता, किसने काम किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद उनका सबसे बड़ा अभियान था स्वच्छ भारत, और अपोजिशन के लोग उस समय बोले थे झाड़ू लेके मोदी जी खड़ा हो जाएगा तो इससे क्या स्वच्छता होगा। तो सिर्फ झाड़ू देके हमारे साफ सफाई, रोड करना बा कोई गांव का करना, ड्रेन करना, वो नहीं है मोदी जी का, वो सिंबलिक था। इसमें ये थे जो साफ सफाई तो करनी है, साथ साथ करप्शन को भी साफ सफाई करनी है, और आपने डिजिटाइजेशन के माध्यम से वो करके दिखाया, हर स्कीम्स को लोगों के पास गांव तक पहुंचाया, 100% डिजिटाइजेशन करके मोदी जी ने वो प्रमाणित किया है।
वहीं 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा प्रभारी ने कहा कि भाजपा पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। रोज काम करता है, माँ डेली बच्चे को खाना खिलाता है, उसको दिखता नहीं, किंतु मौसी जब कभी कभी खिला देता तो वो दिखता है। वैसे ही ये बाकी सब पार्टी का हालत यह है। भारतीय जनता पार्टी पहले से काम करता है। अभी देखो मध्य प्रदेश में हमने बहुत पहले ही टिकट डिक्लेयर करके रख दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के लिए ही बैठे रहता है, ऐसा कुछ नहीं। काम के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम। देखो जिनका कोई काम नहीं होता वो आरोप लगाता है, जिनका काम होता है वो काम करते रहते हैं, इसलिए दोनों में अंतर है। आप उनको पूछ लीजिए आपका काम क्या है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर सिलानी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्वच्छता ही सेवा समारोह में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर नमन किया। साथ ही उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत सभी जिले के सभी खंडों से अमृत कलशों में लाई गई मिट्टी को नमन करते हुए कहा कि ये अभियान देशभक्ति से ओतप्रोत एक अनूठा कार्यक्रम है, जिसमें देश के सभी ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को एक साथ याद किया जा रहा है। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ बनने वाली अमृत वाटिका में देश भर से लाई गई मिट्टी हमें एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। ओपी धनखड़ ने कहा कि जीवन में जो बनने का संकल्प लें वे संकल्प पक्का होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। पीएम मोदी ने संकल्प लिया तो हर घर शौचालय बना। प्रदेश के सभी गांव ODF हुए और झज्जर जिले के 250 में से 151 गांव ODF प्लस भी हो गए हैं। सभी गांव को ODF प्लस बनाने और हर शहीद के गांव से राष्ट्रीय स्मारक के लिए मिट्टी भेजने का संकल्प लेकर जाएं। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सभी लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहले परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 रुपए आय वाले लोगों का अगर 12,000 रुपए बिजली बिल आता था तो उन्हें BPL कार्ड में लाभ नहीं मिलता था। अब इसके लिए बिजली बिल की बाध्यता को खत्म करते हुए इस स्लैब को खत्म कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने 1,80,000 रुपए आय वाले सभी BPL राशन कार्ड धारक परिवारों को भी आगे से सरसों का तेल देने की घोषणा की। इसके तहत प्रति माह 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। 1,80 के स्लैब में, उससे ऊपर के स्लैब में मानेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिजली का बिल किन्हीं कारणों से पिछला नहीं भरा था इसलिए ज्यादा आ गया, मैं तो अपने घर में और बैटरी जो है उसको चार्ज करता हूं इसलिए आ गया, मेरे घर में तो प्रेस का काम करता हूं इसलिए आ गया। तो हमने जितने भी 12,000 से ऊपर के लोग थे उनका सबके सर्वे करा लिया है। एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको BPL माना जाएगा। तेल उन्हीं को मिलता था 2 लीटर, जिनका इनकम पुराने समय के हिसाब से जो 1 लाख या 1,20,000 था उन्हीं को मिलता था। 1,20 से 1,80 वालों को नहीं मिलता था। इस अगले महीने से अब ये तेल भी 1,80 तक के जितने कार्ड उन सबको मिला करेगा और उसके अंदर भी एक घोषणा ही आज हमने करनी थी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में पार्टी की ओर से आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। पन्ना प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब दें और घर घर जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में सभी लोकसभा की सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालना है। केवल हरियाणा की बात करो तो लगभग 20,000 हमारे बूथ हैं और 20,000 बूथों पर अगर मैं 15 की एवरेज भी एक बूथ की पन्ना प्रमुख की मानता हूं तो 3 लाख पन्ना प्रमुख है अपने 3 लाख पन्ना प्रमुख। केवल पन्ना प्रमुख इकट्ठा कर रहे हैं तो हमको बहुत बड़ी और रैली की आवश्यकता नहीं। हरियाणा का कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें 3 लाख पन्ना प्रमुखों को बैठा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 3 लाख पन्ना प्रमुख बना चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने पिछले 10 साल में कांग्रेस से ज्यादा काम किए हैं और पैसे उनसे कम खर्च किए हैं। प्रदेश में कांग्रेस अभी तक अपना संगठन भी नहीं खड़ा कर सकी। केंद्र में पीएम मोदी का और प्रदेश में जनता का शासन तीसरी बार आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष द्वारा बनाए गए इंडिया संगठन को भानुमति का कुंभा बताते हुए तंज कसा। इस भर के कारण से उन्होंने कुछ इधर से बुलाए उधर से बुलाए और सारे देश की पार्टियों कहा कि भाई मोदी जी अकेले तो जाएंगे नहीं, हमारे से तो जाएंगे नहीं, अगर मोदी को भगाना है तो आओ मिल जाओ। कहेंगे ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कोई पता नहीं उनका नेता कौन है, कोई पता नहीं उनकी विचारधारा क्या है, कोई पता नहीं उनका प्रोग्राम क्या है। नहीं, एक प्रोग्राम है और निश्चित प्रोग्राम क्या है, मोदी भगाओ प्रोग्राम। इस मोदी भगाओ प्रोग्राम से तो कभी देश में शासन करने के लिए नहीं आ सकते। शासन फिर से देश में मोदी जी का, हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार का फिर से शासन आएगा, इसमें दावे से चुनाव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम के रूप में मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही पीएम ने राजस्थान के कई रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के मनमाने राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। कांग्रेस की ये मनमानी राजस्थान की धरती पर नहीं चलेगी। लाभार्थी का जो हक है वो सीधा मिले, वो पूरा मिले, ये भाजपा सरकार सुनिश्चित करती है। भाजपा सरकार ने बीते 9 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट से लाखों करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि आज सीधे किसान के बैंक खाते में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई कमीशन नहीं, किसी दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं। मोदी का मॉडल ही यही है, हर लाभार्थी तक सीधा लाभ। इसलिए राजस्थान को भरोसा है कि भाजपा आएगी, बेईमानी जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में चर्चा उन निर्वाचन क्षेत्रों पर केंद्रित रही जहां राजस्थान में पार्टी की उपस्थिति उपेक्षाकृत कमजोर है। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई सांसदों और मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने की संभावना पर भी विचार विमर्श हुआ। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय में हुई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में लगभग 60 से 65 सीटों को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 65 सीटों पर मंथन हो चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में 69 सीटों पर चर्चा पहले ही हो चुकी है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत के गांव सिसाना की गौशाला में आयोजित वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गौशाला को 51 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने गौशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस गौशाला को 1902 में
पंडित हरनाथ ने स्थापित किया था और 1978 में 61 गांवों की पंचायतों ने इस गौशाला को चलाने के लिए अपना योगदान दिया। गौ सेवा आयोग की ओर से 25 एकड़ में अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे अपनी गौशालाओं में गौवंश का पूरा लेखा जोखा रखें ताकि इसी आधार पर सरकार अनुदान दे सके। इस बार ग्रांट देने के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो अभी हमने उस ग्रांट की साल भर की जो भेजी है, 12 लाख पिछले साल की बची हुई थी वो भेजी है और 30 लाख इस साल की भेजी है। लेकिन आज मैं आया हूँ तो खाली हाथ तो मुझे जाने नहीं दोगे, दूध भी पिलाओगे और साथ में, तो मैं ये घोषणा करता हूँ कि 30 लाख रुपया इसी साल में और एक आपकी ग्रांट जो है वो हम भेजें। मेंबर पार्लियामेंट की 11 लाख जोड़ दो भाई, 42 हो गए। और भाई 9 बचे मोहनलाल जी, क्या के लिए आए, तो 9 लाख इनके हो गए कितने, 51 हो गए, ठीक है 51 तो ये हो गए। लेकिन ये सारे 7,000 पशुधन तक तो यही रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 2014-15 में 215 गौशालाएं थी जो कि अब बढ़कर 649 हो गई हैं। जो पशुधन सड़कों पर हैं सभी गौशालाएं उन्हें लेने के लिए आगे आएं क्योंकि इससे दुर्घटना भी होती है और कई बार जान भी चली जाती है। इसके लिए प्रदेश सरकार पूरा सहयोग करेगी। प्रदेश सरकार ने गौचरण की जमीन पर नई संस्थाओं को गौशालाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया है। वर्तमान में गौशालाओं में लगभग 35,500 गौवंश हैं। आई उस समय 200 कुछ गौशालाएं थी, 215 से 649 यानी 3 गुना से ज्यादा हो गई और ये भी बढ़ रही है आगे। हम इसको बढ़ाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और कोशिश करने का कारण है, कारण ये है कि आज लगभग 4 लाख पशुधन ऐसा है जो सड़कों पर फिरता है, कोई उनकी देखभाल नहीं होती, पन्नी खाती हैं, प्लास्टिक खाती हैं और कई बार एक्सीडेंट होते हैं, उस एक्सीडेंट के कारण से जान चली जाती है। इन सब की चिंता सबको है, आपको भी है हमको भी है। उसमें से हमने ये तय किया, चाहे तो पुरानी जो गौशालाएं चला रहे हैं वो, नहीं तो नई संस्था भी कोई बना करके आए, 5-11 लोग संस्था बनाओ और जा करके उनसे करार करो जमीन लेकर के और पशुधन बाहर से लाके हम रखेंगे और उसके लिए पर्याप्त धन पैसा सरकार देगी। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस के ओबीसी वर्ग ने पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में अलग से आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव के आह्वान पर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से हरियाणा के गवर्नर हाउस की तरफ पैदल रोष मार्च भी निकाला। इस मौके कैप्टन अजय यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के जरिए भाजपा की केंद्र सरकार देश भर की महिलाओं के साथ छल कर रही है। अगर मोदी सरकार सच में महिलाओं को एक सम्मान देना चाहती है तो महिला आरक्षण में ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में अलग से हिस्सेदारी दी जाए। पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसके अंदर जो है 2010 के अंदर राज्यसभा में बिल पास हो गया था और क्योंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको स्थान नहीं देने की बात उस टाइम की गई थी तो ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। अब जब 2023 में ये बिल लेके आए हैं उसमें हम लोगों ने कहा था कि हम इस बिल के अंदर अड़चन नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई इस पर राइडर हमने ये रखा था कि आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं जो 33% आरक्षण है उस कोटे के अंदर जो है उनका कोटा भी रखा जाना चाहिए और उसके लिए अमेंडमेंट भी लेके आए हम लोग, जिसमें राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी ने, हमारे डीएमके के, समाजवादी पार्टी के, आरजेडी से और अपना दल भी जो एनडीए का घटक है जेडीयू, उन सब ने ये मांग रखी थी कि आप जातीय जनगणना जो 2011 की हुई है उसके आधार के ऊपर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनको इसमें आरक्षण के अंदर 33% जो आरक्षण उसमें लागू करें
और 2024 से लागू करें, ये जुमला साबित होगा। महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल नगर परिषद द्वारा आज गांधी जयंती के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 31 वार्डों से मिट्टी एकत्रित की गई। यहां से इस मिट्टी को कलश यात्रा के माध्यम से दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बनने वाली अमृत वाटिका में डाला जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि गांधी जी की जयंती पर हम इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को एक संदेश भी देना चाहते हैं ताकि आज का युवा देश की आजादी में बलिदान देने वाले शहीदों को याद रख सके। मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी को नमन और वीरों को वंदन, इस नारे के साथ हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आज नगर परिषद के सभी 31 वार्डों से मिट्टी इकट्ठी करके यहाँ नगर परिषद के प्रांगण में आई है और यहाँ से हमने एक कलश में डालकर इसको दिल्ली राजपथ पर पहुँचाने के लिए ये काम किया है। दिल्ली राजपथ पर पूरे देश के कोने कोने से, हर क्षेत्र से मिट्टी मंगाई जा रही है। लोग जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सभी वर्गों की ड्यूटी लगाई जा रही है। दिल्ली राजपथ पर एक शहीद स्मारक का निर्माण भारत सरकार कर रही है, जिसमें सभी देश के सभी कोनों से मिट्टी जो आ रही है उसके अंदर उसे वो पार्क बनाया जाएगा। नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन कमलेश सैनी ने कहा कि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से देश के सभी शहीदों को नमन किया जा रहा है। वीर जवानों को जो शहीद हुए हैं देश पे, उनको मैं नमन करती हूँ और गांधी जी को नमन करती हूँ। आज गांधी जयंती भी है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, तो सभी को मैं नमन करती हूँ, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और सभी जितने हमारे वार्ड हैं, 31 वार्डों से मिट्टी ला करके कलश में डाली गई है और ये मिट्टी राजपथ दिल्ली पहुँचाई जाएगी, जहाँ पर शहीदों का स्मारक बनेगा। वहाँ पर ये मिट्टी शहीदों के स्मारक बनाने के लिए यूज की जाएगी। बिजली एवं जेल मंत्री रंजीत सिंह ने यमुनानगर में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली को हरियाणा ही बिजली की सप्लाई दे रहा है। दिल्ली की इंडस्ट्री बाहर आ रही है, जिसमें से 70% हरियाणा में लग चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र से यमुनानगर में थर्मल प्लांट स्थापित करने का आग्रह भी किया है। जेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंग्लैंड में लोगों ने स्टार्ट करा। ब्रिटिश दुनिया में राज कर रहे थे तो जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड में कैदियों को डाला, जैसे वीर सावरकर को उन्होंने कैद में रखा हुआ था, तो ऐसी ये उन्होंने ये कॉन्सेप्ट करा। इसके बाद आज के दिन सबसे मॉडर्न जेल, सबसे बेस्ट जेल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने अपने ऑफिसर को सबको सभी जगह विजिट करे, तो हमने कोशिश करी है कि जितने इम्प्रूवमेंट हो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अब हमारी जेलें अगर आप देखें अंदर कभी जाके, तो आपको लगता है नहीं कि ये जेल ठीक है। आप कोर्ट के डिसीजन है कैद, तो उनका अपने समय से काटने पड़ेगी। जब भी कोई फैसला करता है, कोर्ट हाई कोर्ट करे, सेशन कोर्ट करे, वो लिख के भेजता है कि फला आदमी को इसको इतने साल, इतने महीने, इतने दिन की सजा है, तो हमें उसे फॉलो करना पड़ता है। रंजीत सिंह ने यह भी दावा किया कि हरियाणा की जेल अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। कुछ समय पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्यों के अध्यक्ष सुशील मोदी के नेतृत्व में भोंडसी जेल का निरीक्षण करते हुए कहा था कि यहां सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर व्यवस्था है। हसनापुर से लेकर अब तक दिल्ली कैपिटल रहा है, दिल्ली की जितनी इंडस्ट्रीज हैं सब बाहर आ रही हैं, या गुड़गांव में, फरीदाबाद में, रोहतक में, सोनीपत में, या फिर नोएडा में जा रही है। मतलब 70% हरियाणा में आ गए। ऐसे उनका जितना रेजिडेंशियल एरिया है, दिल्ली में पढ़ने को जगह नहीं, तो सब हमारे मानेसर तक चले गए। इधर आप पलवल से भी आगे तक रेजिडेंशियल एरिया चला गया, इधर करनाल तक चले गए और इधर रोहतक को भी क्रॉस कर गए। ये जितने ग्रुप हाउस ही जा रहे हैं, चाहे वो DLF है, चाहे यूनिटेक है, चाहे अंसल्स है, चाहे वाटिका है, चाहे TTI है,
वो सब ग्रुप ऑफ निज़ाम देख रहे हैं कि एक एक उस पर पाँच पाँच रूम के, चार चार रूम के, तीन तीन रूम के वो बने फ्लैट, सब में एसी लगे हैं। वो सारी दिल्ली के लोगों को पावर हम दे रहे हैं, वो हमें ये कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं। वो अपनी क्वेश्चन बताए, वो अपने लोगों को तो बचाए, उन्हें बिजली दें। चीन के शहर में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। खेलों के आठवें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 15 पदक जीतकर इतिहास रचा। इन खेलों के इतिहास में भारत द्वारा एक दिन में जीते गए ये सबसे ज्यादा पदक हैं। इससे पहले भारत ने साल 2010 के एशियाई खेलों के 14वें दिन 11 पदक अपने नाम किए थे। 19वें एशियाई खेलों में 9वें दिन भारत ने कांस्य पदक के साथ शुरुआत की। रोलर स्केटिंग में भारत को कांस्य पदक मिला। महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर में संजना भदुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु और आरती कस्तूरी कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहीं। रोलर स्केटिंग में भारत को एक और कांस्य पदक मिला है। पुरुषों की 3000 मीटर में रिले फाइनल में भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय टीम में आर्यन पाल, आनंद कुमार, सिद्धांत और विक्रम शामिल थे। टेबल टेनिस की महिला युगल में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। भारत की ओर से सतुरथा और एहकिया मुखर्जी की जोड़ी ने भारत को ये पदक दिलाया। महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में विथ्या रामराज ने पीटी उषा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार। आपका थैंक यू जी। पिछली बारी आपने